क्या हो गया? मत हो परेशान महक। अरे मत रो यार, रोने से क्या होगा? आप ठीक है? अब हो जाएंगे। वो तो ठीक, इतनी जल्दी क्यों टेंशन क्यों ले रही है तू? मत रो, चल चुप हो जा। अरे भाभी, कोई टेंशन लेने से कुछ हुआ है क्या आज तक? है मत रो यार महक, महक मत रो, मम्मी। अरे यार, या भी चुप हो जाओ महक, मत रो। ऐसे टेंशन लेने से, ऐसे रोने धोने से कुछ थोड़ी होएगा यार। ऐसे तबीयत सही नहीं है तुम्हारी, चुप हो जा। चुप हो जा। हो जाएंगे वो तो सही, क्यों एक मतलब मत रो, चल वही काम आएगा परेशान। तो उसको फेंक रही हो हाँ क्या? चल मत रो, तबीयत सही नहीं है क्या? अरे यार, मत करो आप। ले सुन, कुछ लेके आए, खा लो तुम तो ये कुछ। लो, खा लो हाँ आप। खा ले खा ले, टेंशन मत ले यार, हो जाएंगे वो तो ठीक, भगवान नहीं, करे। रो दी मैं उनके लिए। तो फिर बस, तो फिर चुप हो जाओ, चल चुप हो जाओ। चलो ये बिस्कुट फाड़ लो और मेरे को भी खिलाओ। हाँ चल, ये सुन कुछ लेके आए, ये खा ले। ठीक या तो खा लो या है, खा तीन तीन लो। वेराइटीज है तेरे पास, खा कौन ले सा लोगे? ये 5 वाला, 10 वाला? खा ले खा खा ले। लो। तो गाइस, महक के पापा की ये तबीयत खाओ। ठीक नहीं है, तो इसलिए महक यहाँ पर परेशान हो रही है भाई। कल से मतलब जब से रात से हम लोगों को पता चला है ना, जब से ही तबीयत भी ठीक नहीं है इसकी पहले से ही, और ऊपर से रो रही है अभी अचानक से। सो जा, आराम कर ले, ठीक है? रोने से कोई सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा, मम्मी कर लेंगे सारा काम, तुम सोचो। समय ठीक नहीं है। मैं ठीक। क्या हो रही है मेरे को बताओ सही। अरे क्या हो गया यार? अरे यार रोने से क्या होगा? देखो परेशान मत हो, अगर तुम परेशान होती है तो हम सब परेशान होंगे। गाइस एक यही मुश्किल समय होता है एक लड़की के लिए, जब उसके जब वो इंटर कास्ट शादी करती है, लव मैरिज करती है, इंटर रिलीजन शादी होती है, कोई कुछ भी करती है ना, तो उसके लिए सबसे मुश्किल समय यही होता है कि उसके जो पेरेंट्स है उससे कभी नहीं मिल पाती भाई। क्या कर सकते हैं अब यार, क्यों क्या कर सकते हैं ऐसे समय पर? हाँ, कुछ नहीं कर सकते ऐसे समय पर, बस खाओ पियो, खुश रहो, खिलाओ पिलाओ सोहन, खिला पिलाओ उसको। मैंने तो खा लिया। तेरे को खाने की थोड़ी बोल रही। चल हाँ, ऐसे ऐसे खुश रहा करो, ऐसे रो मत। चल इसको फेंक दिया, रुमाल घूम गया, रो मत। मैंने इसको फेंक दिया। मम्मी ना, तेरे को यही काम आएगा। हाँ बस ऐसे खुश रहो, ठीक है? हो जाएंगे वो तो ठीक, अपन ने प्रार्थना करी है ना अभी गणेश जी से। हाँ चलो सो जाओ, आराम करो, ठीक है? तो गाइस अभी तक कोई खबर नहीं आई है, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे अभी हम लोगों को कि आप लोगों को जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो गाइस सिचुएशन ऐसी है कि अभी हम लोग अगर जाते भी हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, तो इसलिए अभी हम लोग जा भी नहीं रहे हैं भाई। थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है। अब महक को बोला मैंने कि चलो चलते हैं अगर तुम्हारी इच्छा है, पर महक भी मना कर रही, जा भी नहीं रही और यहाँ पर रो रही है। नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ, तुम खा लो खा लो। अरे नहीं खा रहा हूँ, सच में नहीं खा रहा हूँ, थोड़ा सा तुम रोना बंद करो बस, ठीक है? और हो जाओ, आराम करो, ठीक है? पापा आ गए हैं, पापा ने भी मना कर दिया गाइस के वहाँ जाने से। अगर तुम जाओगे वहाँ पे और तुम लोगों को अगर कोई मिल जाता है और तुम लोगों को मना कर देंगे वहाँ पे जाने से, अंदर रिस्क रहता है भाई, तो इसलिए अभी थोड़ी सी सिचुएशन सही नहीं है। और आप लोग बोल रहे थे कि ऐसे पुलिस पुलिस वाले को लेके चले जाओ, तो गाइस पापा ने उसके लिए भी मना कर दिया। पापा मना कर रहे हैं कि मत जाओ अभी, ठीक है? वो ठीक हो जाएंगे, या तो फिर सुबह होगा तो वीडियो कॉल कर लेना उनको और उनसे बात कर लेना पहले सिचुएशन कैसी है, ठीक है? अगर वो उठाते हैं बात करते हैं तो उसके बाद ही जाना, पहले कंफर्म करो सबसे पहले तो कि वो सच में एडमिट है या नहीं है, ठीक है? किसी पहचान वाले को भेजो वहाँ पे, उसके बाद में तो कल सुबह होगा इस हम लोग भेजने वाले हैं। हम मेरे फ्रेंड को किसी को भेजूंगा, ठीक है, चुपचाप से, ताकि वो पता कर सके वहाँ पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। उसके बाद में जो भी होगा सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, ठीक है? तो अभी तो रात को भाई 12 बज गए हैं और यहाँ पे महक अचानक से रोने लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। क्योंकि तो सिचुएशन सिचुएशन ऐसी है ना गाइस के, अभी देखो खाना तो खाया नहीं ठीक से किसी ने भी, महक बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि यार अच्छी तरीके से खाना खा ले, क्योंकि खाना नहीं खाएगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यही लगता है, टेंशन हो जाता है मेरे को, मुँह नहीं रोना बहुत जल्दी आ जाता है। अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, जुकाम भी हो रहा है और हाथ पे बहुत दर्द कर रहा है। मैं किसी चीज़ का टेंशन ले लेती हूँ ना, वो सोचती रहती हूँ सोचती रहती हूँ, वो सोचते सोचते है नहीं मैं पागल हो जाती हूँ। नहीं तो परेशान क्यों होती हूँ यार, परेशान मत हो, ठीक है ना? एकदम सुबह और रोना आ पता गया चल था। जाएगा।
ठीक है, वो ऐसा नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि बस यही सोच कर मेरे को रोना आ गया कि मैं उनसे मिल नहीं सकती और मेरे को वो सब चीज़ें दिख रही, लेकिन मेरे को रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर वो अगर वीडियो वगैरह देख लेंगे तो वो भी टूट जाएंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है यार कोई साथ ही नहीं देता मेरा। अरे यार तो हम तुम्हारे साथ हैं तो सही, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनो, पापा जो है ना तुम्हारे वो ठीक हो जाएंगे, अपन ने प्रार्थना करी ना, अभी आरती करी तो करी ना, सही सलामत रहेंगे। हाँ लो पानी पी लो, अरे पी लो यार, अरे पी लो थोड़ा सा, अभी तो पानी चाहिए, कुछ भी तो नहीं खाया है, अटक जाएगा नहीं तो। गाइस कुछ खाना वाना तो खाया नहीं, यही खिलाए हैं। और पी लो, गोली वोली दूँ क्या, खा ले सर दर्द की, मम्मी ने दे दी, दे दी थी मम्मी, आराम करो, इतना टेंशन मत लो, सुबह जो भी होगा देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना, ये सोचती हो सर, अरे इतना सोचे मत, चल सो जा, चलो गाइस, ये क्या बहुत ज़्यादा इमोशनली ये, और पता है कोई भी कुछ इसको बोल देता है ना तो बहुत ज़्यादा माइंड पे ले लेती है ये सारी चीज़ें। अब कुछ लोगों ने कमेंट्स करे थे कि मैं आपको ये पहले सोचना चाहिए था, पहले आप लोगों ने ये गलती कर ली और आप लोग पछता रहे, भाई पछता नहीं रहे हम लोग, लेकिन सिचुएशन आप लोग खुद समझो कि आप कहीं और, ठीक है, एक एग्जांपल के लेना, आप किसी ऐसी सिटी में हो जैसे मान लो यहाँ से बॉम्बे हो, ठीक है, आपको आपके पास में इतने पैसे नहीं है कि आप लोग फ्लाइट करके जा सको, और जाना आपको सिर्फ या तो कार से पड़ेगा, ठीक है, 2 घंटे तो मैं तो आप पहुँचोगे नहीं, 1 घंटे में तो आप लोग पहुँचोगे नहीं, आपको पहुँचने में समय तो लगेगा, वही हमारे साथ में सिचुएशन है कि हम लोग को पहुँचने में समय तो लग रहा है लेकिन करंट में हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज मान लो इसी सिचुएशन है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो बस वही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी नहीं है। यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है यार गाइस, क्या करना चाहिए ऐसे समय पे। देखो दुख मुझे भी है कि ऐसा नहीं है कि नहीं यार, मेरे भी पापा ही एक तरह से, तो दुख मुझे भी है कि कुछ होना जाए, भगवान करे बस सब ठीक हो, गणपति बप्पा संभाल लेना सब कुछ, ठीक है, और जो भी होगा आपके साथ में शेयर करेंगे, पता चलेगा जो भी। लेकिन जिन लोगों ने हम लोगों को बताया ना ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो वो चाहते हैं कि आप लोग जाओ मिलने के लिए, लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ा सा डाउट आती है मन में कि यार हम लोग चले भी जाए, लेकिन वहाँ पे अगर हम लोगों को किसी ने रोक दिया किसी से मिलने के लिए और वहाँ पे कुछ लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, हम लोग अगर किसी 8-10 जने को भी लेके गए और मान लो कि वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लड़ाई वाली, तो प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हो, और अपने को तो कंफर्म भी नहीं है वो कहाँ पर है, क्या नहीं है, और क्या एडमिट है या नहीं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि सोहन में या कुछ फ्रेंड्स वगैरह को किसी को, देखो सोहन को तो पूछा नहीं सकते, मैं वही बोल रहा था, सोहन के दोस्त फ्रेंड्स जो वीडियो में भी नहीं आए हैं उनको भेजो वहाँ पर, जो भी आस पास जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पर, और देख के आओ कि वहाँ पर मेरा एडमिट है क्या, नाम तो पता ही है मेरे को, बड़ी है ना कि तुम्हारे पापा को तो नहीं जानते, फोटो दिखा देना, हाँ फोटो दिखा सकते हैं, नंबर मतलब वहाँ पर नाम तो लिखा होगा, मेरे पापा का नाम बोल देंगे इस नाम पर, मतलब मेरे कोई एडमिट है ऐसा सोच रही हूँ, ताकि अपने बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि हाँ बात सही है बिल्कुल। तो भाई सुबह होगी तो फिर सुबह हम लोग यही करते हैं, किसी और को बचाएंगे, सोहन को तो बचा नहीं सकते क्योंकि सोहन अगर जाएगा तो भाई पता चल जाएगा कि सोहन है, तो थोड़ी सी रिस्क रहेगी क्योंकि सोहन को सब जानते हैं वीडियोस की वजह से, तो सोहन को नहीं बचाएंगे, किसी और को बचाएंगे ताकि वो देख के थोड़ी सी इंक्वायरीज जो भी हो तो वो पता कर सके, ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें, मम्मी इधर बर्तन साफ कर रहे हैं अभी क्योंकि आज महक की तबीयत सही नहीं, तो मम्मी कर रहे हैं इधर का सारा काम, क्यों मैं क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना अभी, क्या करें, ऐसे परेशान हो रही है ऐसे, अब कर तो कुछ सकते नहीं क्योंकि वो मानेंगे तो, मैं सब समझा लूंगा उसको, तो समझाना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप अपने को समझ जाती है, तो बच्ची है, रो भी देती है, समझ भी जाती है, अपने को ही देखना पड़ेगा जो भी, सब संभाल लूँगी, क्योंकि ऐसे समय पे मैं गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को भी संभालना, जैसे कि अगर मेरी बात करें जैसे कि अगर अपने घर में भी किसी को कुछ होता है तो आप भी पैनिक हो जाते हैं, तो वही वाली सिचुएशन महक के साथ में अभी, तो इसीलिए थोड़ी सी तबीयत भी खराब है भाई, तो थोड़ा सा देख रेख करनी पड़ेगी, अभी हम लोगों को पूरा रात अभी 12 बजे है, अब क्या मालूम सोएगी कि नहीं ठीक से, सो जाएगी तो टेंशन, अभी थोड़ी तबीयत भी खराब है, नहीं गोली दे दी नहीं उसको, गोली सर्दी जुकाम की हो जाएगा उसको आराम, सोहन और मैं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, संभाल लेंगे बस मम्मी है ना गाइस, तो थोड़ा सपोर्ट रहता भाई क्योंकि अकेले हैंडल करना ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ इस सिचुएशन में, अब मम्मी है तो सपोर्ट है थोड़ा सा, दोनों मिलकर संभालेंगे सिचुएशन को,
जो भी होगा आप लोग साथ में शेयर करेंगे। देखेंगे सुबह सुबह भेजते हैं किसी को, फिर पता करते हैं गाइस और आप लोग भी साथ में शेयर करेंगे। ठीक है।